सो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मैं लेकर आ चुकी हूँ अमेज़ोन की तरफ से। देखिए अमेज़ोन की तरफ से बिल्कुल नई वैकेंसीज का नोटिफिकेशन अभी अभी आया हुआ है, जहाँ पे आपका कोई इंटरव्यू नहीं है, हर कोई आप में से एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल दोनों ही, आप किसी भी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ों को आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ, कौन सी जॉब प्रोफाइल है, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे होना है, क्योंकि इंटरव्यू कोई भी नहीं है, ठीक है। वीडियो का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आपने स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना है। तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुकी हूँ अमेज़ॉन की तरफ से। अमेज़ॉन की तरफ से लेटेस्ट वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया है ऑल इंडिया के लिए, जहां मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। प्योरली आपकी ये वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाली है, ठीक है। इंडिया में किसी भी सिटी, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, टाउन के रहने वाले हैं, आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे होनी है, जॉब कौन कौन सी आई हुई है, क्योंकि अलग अलग प्रोफाइल की वैकेंसी इस बार आई हुई है, मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ डिटेल में समझाने वाली हूँ, कौन कौन सी प्रोफाइल है, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है, क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो वीडियो का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आपने स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना है। इसी तरीके से चाहते हैं डेली जॉब अपडेट की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, प्राइवेट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ऑल पे क्लिक करना, ताकि जो इसके बाद चैनल पर वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। बाकी इस अपडेट के अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ गई हैं। हमारी ऑफिशियल साइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, glory.com, उसको आप सीधा गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं, पहले नंबर पे साइट मिल जाएगी। वहां पे जितनी भी लेटेस्ट इस बार वैकेंसीज आई है उसको चेक करके आप यहां अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ज्यादा टाइम ही लेंगे, फटाफट बात करेंगे अमेज़ॉन की नई जॉब वैकेंसी के बारे में, प्रोफाइल कौन सी है, काम क्या रहने वाला है, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप यहां पे अप्लाई करना होगा। तो देखिए अमेज़ॉन की ये जो वैकेंसीज आई है, आपकी एज 18+, जितने भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कोई फी पे नहीं करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इवन आप अमेज़ॉन की जब साइट पे जाते हो, वहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि अमेज़ॉन आपको किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के लिए बिल्कुल भी पे करने को नहीं बोलता है, आपको फ्री में यहाँ पे अप्लाई करना होता है, ठीक है। और ये आपकी परमानेंट जॉब है, अगर आपकी सिलेक्शन यहाँ पे होती है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलते हैं, सैलरी का बेनिफिट मिलता है, मेडिकल इंश्योरेंस का बेनिफिट, हेल्थ इंश्योरेंस का, इसके अलावा डेस्कटॉप आपको कंपनी यहाँ प्रोवाइड कर देती है, वाईफाई का अलाउंस आपको मिलता है, बाकी लीव्स का बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे 5 days वर्किंग आपकी जॉब है, ये भी बेनिफिट है। अब आपके 2 days जो वीक में ऑफ होंगे वो कंफर्म नहीं है, सैटरडे संडे ही होंगे, वो आपको बताएंगे कब आपके होने वाले हैं, ठीक है। अमेज़ॉन की ये जो वैकेंसीज आई है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बताया, अलग अलग प्रोफाइल की है, जिसमें पहली जो प्रोफाइल है वर्चुअल कस्टमर सर्विसेज के लिए आई हुई है। सेकेंड प्रोफाइल के बारे में बात करें, यहाँ पे कस्टमर सर्विसेज के लिए आई हुई है। यहाँ पे प्रोफाइल अलग अलग है, लेकिन इनका जो काम है ना, ऑलमोस्ट आपका सेम ही रहने वाला है, जिसमें आपको क्या है कि अमेज़ॉन के जो भी क्लाइंट या जो कस्टमर्स होते हैं, उनके जो भी क्वेरीज आ रही है, उसको आपको बस यहाँ रिजॉल्व करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही आपका काम रहने वाला है, हर कोई आप में से एलिजिबल है, यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा भी और अलग अलग प्रोफाइल के लिए वैकेंसीज आई हुई है, मैं आपको सीधा ऑफिशियल साइट पे लेके चलती हूँ, प्रॉपर स्क्रीन पे, वहाँ पे बताती हूँ कौन कौन सी वैकेंसी है, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कैसे करना है और सिलेक्शन कैसे होनी है, उसके बारे में आपको मैं बाद में बहुत ही ब्रीफ में बताने वाली हूँ, क्योंकि इंटरव्यू कोई नहीं है। पहले चलते हैं साइट पर। तो जो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो मैंने आपको अभी स्क्रीन पे भी दिखाए थे, तो यहाँ पे आपको सारे लिंक मिल जाते हैं, ठीक है। जब मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके लिए बना रही हूँ वीडियो, तो यहाँ पे और भी वैकेंसीज है जो ऐड यहाँ पे हो चुकी है, जैसे कि कैटलॉग और एसोसिएट की वैकेंसीज यहाँ पे आउट हो चुकी हैं, लैब इंचार्ज की भी हैं, कैटलॉग क्वालिटी एसोसिएट की वैकेंसीज भी है, इसको भी आप यहीं से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो पोस्ट है, देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो जॉब है, इसके लिए ये आपको लिंक मिल जाता है अप्लाई करने का, इधर आपको क्लिक करके अप्लाई करना है। मैं आपको किसी एक पोस्ट का अप्लाई करके दिखा दूंगी, क्योंकि सारी पोस्ट के लिए अप्लाई करने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, ठीक है। नेक्स्ट का जो पोजिशन की अगर बात करें, वो आपकी है डेटा एसोसिएट की, जहां पे डेटा एसोसिएट वाली जॉब की जब आप क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए ये पोस्ट ओपन हो जाएगी। यहां पे सारी डिटेल्स आप रीड कर सकते हैं, क्या क्या यहां पे आपका जो काम है वो रहने वाला है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन की हुई है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपका रिपोर्टिंग से रिलेटेड काम रहेगा, डेटा मेंटेन का आपका यहाँ पे काम जो बेसिकली रहने वाला है इस पोस्ट के लिए, ठीक है। इसके लिए देखिए 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे इस वाली पोस्ट के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट अगर पोस्ट की बात करें, कैटलॉग एसोसिएट के लिए वैकेंसी जो है वो भी आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें VCS के लिए, इसके लिए मैंने आपको पहले भी वैकेंसी आई थी तब भी अप्लाई करके बताया था, उसको आप चेक कर लेना।
देन आपको लैब इंचार्ज पैकेजिंग की वैकेंसीज देखने को मिलती है। ये देखिए यहाँ पे ये इंडिया के लिए वैकेंसीज है, यहाँ पे इंडिया के लिए जो वैकेंसीज है वो अलग है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर लेना और अप्लाई इधर आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो सारी इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ देख भी सकते हैं, जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वीडियो रिव्यू वर्क जो है उसकी आपको जॉब की लिंक मिल जाता है, ये वाला लिंक वन। ठीक है, तो मैं आपको इसी पोस्ट का पहले अप्लाई करके बता देती हूँ। सारी वैकेंसी के लिए अप्लाई करने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, जैसे मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है। इवन आपको मैंने यहाँ पे वीडियोस भी प्रोवाइड की हुई है, जैसे ये वाली जो वीडियो है इसमें मैंने आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जॉब का बताया अप्लाई कैसे करना है। इसके बाद इधर आपको ये सुपरवाइजर की वैकेंसी है, इसको आप यहाँ से चेक कर लेना, और लास्ट में भी आपको यहाँ वीडियो मिल जाते हैं, जैसे कि डेटा एसोसिएट की वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई करना है वो आप सारी चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो रिव्यू वर्क के वाली जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, हमारे सामने सीधा इनकी ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपका जो काम है ना बहुत ही आसान है। ठीक है, यहाँ पे होगा क्या, आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड ना वीडियोस आएंगी आपके सामने, कुछ सेकंड की हो सकती है, 5 सेकंड की हो सकती है, 15 सेकंड की हो सकती है, उसको देखते हुए आपको बस रिव्यू देना है। ठीक है, तो वो आपको सारी ट्रेनिंग अमेजोन प्रोवाइड करेगा, उसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फॉर्म में ऑप्शन मिलती है, हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट दिस जॉब, आपको इस जॉब के बारे में कहाँ से पता चला। ठीक है, किसी एम्प्लॉय ने आपको रेफरल दिया है, रेफरेंस आपको दिया है तब पता चला, या कहाँ से पता चला। आप अदर्स में यहाँ पे लिख सकते हैं, अदर्स में आप यहाँ पे सोशल मीडिया लिख सकते हैं, तो आपके लिए बेनिफिट ही होगा। जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही अप्लाई कीजिएगा। पर्सनल डिटेल्स में आपको अपना कंप्लीट नेम इधर लिखना होगा, उसके बाद अपनी ईमेल आईडी लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अपना आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन करना होगा, और मोबाइल नंबर आपको अल्टरनेट भी यहाँ पे मेंशन जरूर करना है, क्योंकि कई बार होता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है प्राइमरी मोबाइल नंबर वो आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई इश्यू भी हो सकता है आपके एंड से भी, तो यहाँ पे आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर जरूर अपना डिस्क्राइब करना है। अगर आपके पास अदर मोबाइल नंबर नहीं है, आप अपनी फैमिली में या अपने फ्रेंड में किसी का भी दे सकते हैं, ताकि वो आपको कॉल करे तो आपके साथ कनेक्ट कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जेंडर में भी आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रही है, मेल फीमेल, आई चूज नॉट टू स्पेसिफाई। ठीक है, आप यहाँ कर सकते हैं। सिटीजनशिप में आपको यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अगर आप में कोई भी डिसेबिलिटी है तो आप यस कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे नो भी कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन आपको अदर यहाँ पे फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे आप अपना आपको एड्रेस मेंशन करना है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ये आपकी वर्क फ्रॉम होम है। ठीक है, एड्रेस आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करना है, कोई यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हम अमेजोन की साइट पर अप्लाई कर रहे हैं, इससे क्या फायदा है, अगर कोई भी एसेट्स कंपनी ने आपको प्रोवाइड करनी है, उनको आपके साथ कनेक्ट करने में या कुछ भी वो प्रोडक्ट भेज रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ना है। तो इसलिए आपको अपना एड्रेस एक्यूरेट मेंशन करना है, करंट सिटी लिखनी है, करंट स्टेट आपको लिखना होगा, पिन कोड लिखना है, हाईएस्ट आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, 10th 12th+ डिप्लोमा, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, 12th की है, पोस्ट ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन अभी आप कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करिए आपने कब यहाँ पे पास आउट किया वो आपको सिलेक्ट यहाँ पे करना होगा ईयर ऑफ पासिंग में। उसके बाद एजुकेशन टाइप पे आपको मेंशन करना है कौन से सब्जेक्ट थे आपके पास। नेक्स्ट अगर कोई भी एक्सपीरियंस है आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे जीरो भी लिख सकते हो। आप अगर कहीं पे वर्किंग है तो येस करना, अदरवाइज नो करना। अगर वर्किंग है आपने कितने टाइम का वहां पे नोटिस पीरियड दिया है वो लिखिएगा यहाँ पर। उसके बाद करंट एम्प्लॉयर या लास्ट एम्प्लॉयर की डिटेल्स दे सकते हैं अगर आपने कहीं पे वर्किंग है या आपने कभी काम किया है। ठीक है, उसके बाद अगर बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको अगर ओवरटाइम करना पड़ रहा है तो यहाँ पे मेंशन है कि क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी यहाँ पे आपको यस कर देना है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई डेली ओवरटाइम के लिए बोलेंगे, वो कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कभी कभी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यस ही करना है, अगर आप नो ही कर देंगे आपको कॉल भी मे बी ना आए। ठीक है, तो आपको यस ही करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो जो चीजें आपको देखने को मिली है वो सारी आपने एज इट इज बस फिल करते जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे अपना पैन नंबर आपको लिखना होगा। ठीक है, आज की डेट में देखिए किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं पैन नंबर आपसे मांगते ही है, तो ये मैंडेटरी ही आप समझ सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं, इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। जब आपके पास अपना पैन कार्ड आ जाएगा तब आप इनको
दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आधार कार्ड है वो आप लिखिए, आधार कार्ड की डिटेल्स लिखनी होगी आपको। अगर आपने कभी भी अमेजोन में वर्क किया है तो आप यस कीजिए, अदरवाइज नो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा है, आर यू करंटली वर्किंग विद अमेजोन। अगर आप अभी भी अमेजोन के साथ काम कर रहे हैं तो आपको यस करना है, अगर नहीं तो आप नो कर सकते हैं। उसके बाद लेटेस्ट रिज्यूमे अपलोड करना है, अपने कैमरा का यूज करते हुए आपको फोटो यहाँ पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे टिक कर देना है और यहाँ पर आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है, आपका सक्सेसफुल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। सो मैंने जो जो स्टेप आपको बताए हैं उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए आपको अप्लाई इन वैकेंसीज के लिए कर लेना होगा, ठीक है, सक्सेसफुली आपका अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, सिलेक्शन आपके कैसे इसमें होने वाले हैं। मैंने आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में बताई थी कि इन वैकेंसीज में कोई इंटरव्यू नहीं है, उन कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है ये। जो कैंडिडेट हमेशा बोलते हैं कि हमें इंटरव्यू को फेस नहीं करना चाहते, हमें विदाउट इंटरव्यू जॉब बता दीजिए, तो यहाँ पे क्या है कि जब आप अप्लाई करेंगे तब आपको यहाँ पे असेसमेंट टेस्ट के लिए ऑप्शन आती है, आपको असेसमेंट टेस्ट वहाँ पे देना होता है। वो साथ ही साथ भी हो सकता है, कुछ टाइम बाद भी हो सकता है, ठीक है, आधा घंटा एक घंटे के बाद। तो वो असेसमेंट टेस्ट को आपको अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है, उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग है। अगर आप चाहते हैं असेसमेंट टेस्ट आपका पहली बार में क्लियर हो जाए, आपने दो काम करने हैं। पहला काम, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। क्यों शेयर करना है? ताकि आपके फ्रेंड्स का भी इंटरेस्ट आएगा, वो भी चाहेंगे कि हमें भी असेसमेंट टेस्ट की वीडियो मिले। असेसमेंट टेस्ट की वीडियो मैं आपके लिए डेफिनेटली लेकर आऊँगी। आपने अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है कि मैम हमें असेसमेंट टेस्ट की वीडियो प्रोवाइड करवा दीजिए, क्योंकि ये वीडियो ऐसी है इसमें बहुत टाइम लग जाता है, 2 से 3 दिन मुझे लग सकते हैं रिकॉर्डिंग करने में इसको, ठीक है। तो मैं आपके लिए डेफिनेटली लेकर आऊँगी, बट आप वीडियो को शेयर ज़रूर करना। कौन कौन अप्लाई करना चाहते हैं, असेसमेंट टेस्ट की वीडियो चाहते हैं, वो कमेंट जरूर करना। हमारे चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया में पहली बार आए हैं, फटाफट सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि अगली जो वीडियो चैनल पे आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।